ये देखिए कहीं पर दिख रही हैं ये वाले, कपलर कॉइल। कपलर कॉइल का मतलब दो कॉइलें आपस में जुड़ी होती हैं, उनको हम कपलर कॉइल कहते हैं। जैसे एक कॉइल ये और एक कॉइल ये, और दोनों को कवर्ड कर दिया गया ऐसे, तो एक कॉइल तो ये हो गई और एक कॉइल ये। ऐसे ही ये जो देख रहे हैं ना, एक ये यहाँ से लेके ये सब दो दो कॉइलें आपस में जुड़ी हैं। ये ऐसे ऐसे ये डबल कॉइलें लगी हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कपलर कॉइल। देखिए अपने अपने बोर्ड पे देखिए, कपलर कॉइल कहते हैं इनको। चेक करिए बोर्ड पे दी गई हैं कपलर कॉइल, बोर्ड निकालिए देखिए। अरे कहीं भी लगी हो उसके पास मतलब नहीं, जैक के पास रहती, कहीं भी लगी हो उससे मतलब नहीं है। ये कपलर कॉइल है, दो कॉइलें आपस में जुड़ी होती, इसलिए इसको कपल बोलते हैं, कपलर कॉइल बोलते हैं। अरे भाई मेरे, हम कंपोनेंट की पहचान करा रहे हैं, वो चाहे 4A हो, 6A हो, 8A हो, मतलब उनमें ये मिलती हैं कॉइलें, देखने को मिलेंगी। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे एक बोर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, अगर जिस बोर्ड में ये लगी हैं इस तरीके से तो वो कपलर कॉइल ही होगी। समझ में आई बात की नहीं आई, ये कहने का मतलब है। तो कपलर कॉइल जान जाओगे, अब आगे बढ़ते हैं और घुमाओ ऊपर को, बोर्ड को पलटो, पावर एसी के पास ले आओ। हाँ, और ऊपर थोड़ा करो, ज़्यादा नहीं, नीचे लाओ ये, और नीचे लाओ, बस 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 ठीक है। ये पावर आईसी के पास लगी हैं, ये बक कॉइल है, और ये जो आप देख रहे हैं ना बॉक्स टाइप के, ये जितने भी लगे ये हमारे हैं बक कॉइल। ये क्या करते हैं, वोल्टेज को कम, एम्पियर को बढ़ाता है या हाई करता है, ये कहलाती है बक कॉइल। जबकि देखने में बक कॉइल और बूस्ट कॉइल दोनों एक जैसे ही होते हैं, तो कभी देखकर ये आप नहीं पहचान सकते हैं कि ये बक कॉइल है और ये बूस्ट कॉइल है। हालांकि जब हम काम करेंगे, हमें एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो हम लोग ऑटोमेटिक जान जाते हैं कि ये बक कॉइल है और ये बूस्ट कॉइल है। समझ में आई बात की नहीं, क्यों, क्योंकि वो लाइट सेक्शन में बूस्ट कॉइल लगी होती है डिस्प्ले की लाइट को बढ़ाने के लिए। तो देखकर जो फ्रेशर बंदे हैं तो वो देखकर ये नहीं जान सकते हैं कि ये बक कॉइल है बूस्ट कॉइल है। हाँ, जब उनको ट्रेसिंग समझ में आ जाएगी, जब वो लाइट सेक्शन को पढ़ लेंगे, लाइट सेक्शन कैसे काम करता है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो फिर आप मदरबोर्ड को देख के जान जाएंगे कि ये बक कॉइल है और ये बूस्ट कॉइल है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा दिमाग प्रेशर नहीं डालना है कि हमको समझ में नहीं आ रहा। जब लाइट सेक्शन आएगा तो ऑटोमेटिक आप बोर्ड को पहचानने लगेंगे कि कौन सा सेक्शन बक कॉइल का है, कौन सा बूस्ट कॉइल का है। तो फिलहाल ये बक कॉइल है, इस तरीके से देखिए बोर्ड पे, पावर एसी के पास में लगी है बहुत सारी। हाँ, इधर मिल गई, नहीं मिली, और किसी की समस्या, आगे बढ़े। ये है बूस्ट कॉइल, क्या काम करेगी, ऐसे आप देखकर कंफ्यूज हो गए ना कि बक कॉइल कौन है बूस्ट कौन है, कंफ्यूज है। लेकिन इसके पहले जब हम आपको लाइट सेक्शन पूरा बताएंगे, समझाएंगे पूरी तरीके से, तब ये परफेक्ट तरीके से आपके माइंड में आएगी, वैसे नहीं आएगी। काम क्या था, मैंने आपको बताया था वोल्टेज को हाई करना, ये काम था इसका बूस्ट कॉइल का। तो अभी इसमें समय है, इसमें कन्फ्यूजन रहेगी, कन्फ्यूजन इस बात की रहेगी कि कौन बक कॉइल है, वेट करना पड़ेगा जब तक लाइट सेक्शन नहीं आता तब तक। अब बोर्ड को पलटिए और इसको, हाँ नहीं पलटना नहीं, अब लाइए नेटवर्क सेक्शन में। हाँ इधर ही है, देखिए आधिकारिक जो है ये नेटवर्क सेक्शन में लगे होते हैं, नेटवर्क कॉइल को बोलते हैं, ये सिग्नल को फिल्टर करने का काम करते हैं। ये देखिएगा आधा वाइट है ये और आधा ब्लैक है, ये बहुत सारे लगे हैं, तो ये है नेटवर्क कॉइल। हाँ छोटा छोटा लगा, वाइट कलर से होगा, वाइट कलर, ये तो पूरा वाइट होगा या आधा
टीका टाइप का लगाया, मतलब ब्लैक वाइट, ये है तुम्हारा हाँ नेटवर्क क्वाइल, नेटवर्क सेक्शन में लगे होते हैं। देखिए बोर्ड पे ये नेटवर्क, जब नेटवर्क सेक्शन पढ़ेंगे तो बूस्ट क्वाइल कंफर्म होगी। फाइव ए वाला बोर्ड कहाँ है? नहीं मिला है, एक तुमको मिल गया, दो तुमको नहीं मिला है, एक दो लोगों को, ठीक है तीन, हाँ ये बहुत सारी लगी हैं सेक्शन में। हाँ इसमें बहुत सारी, ये पूरा सेक्शन, इसमें सेक्शन आधा ब्लैक और आधा वाइट, हाँ आधा वाइट, पूरा वाइट होता है। ये पूरे सेक्शन में चेक करिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत सारी लगी हैं, जाली काट दीजिए इसकी, इसमें चेक करो माइक्रोस्कोप पे, ये सेक्शन के अंदर बता रहे, ये पूरा सेक्शन ही, ये नेटवर्क सेक्शन ही है यहाँ से लेके यहाँ तक। हाँ हाँ वाइट डॉट, या पूरा वाइट रहेगा, पूरा या वाइट या ब्लैक, ये सब सेक्शन ही है ये। हाँ मान लो सर क्या कहते हैं ये कॉइल जो है, ये कॉइल नहीं है, वाइट वाली है, नहीं नहीं कॉइल नहीं है। अगर ये कॉइल जो आधा वाइट या पूरा वाइट या आधा ब्लैक अगर कहीं और सिस्टम में मिलता है तो वो नेटवर्क ही काम करेगा? नहीं नहीं ऐसा नहीं, और कहीं मिलेगा ही नहीं वो। हाँ बहुत सारी, बहुत सारी लगी वहाँ पे, एक नहीं डेटा को फिल्टर करने के लिए होते हैं। हैं बोर्ड हम तुमको खुद दिलवा रहे हैं, कलर से कोई लेना। हाँ 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 आ रहे, इसको छोड़ो फाइव ए वाला बोर्ड लो। हाँ क्या है इसमें बताइए? क्या ये नहीं नेटवर्क सेक्शन, छोटी छोटी लगी ब्लैक कलर की, देखिए ये पॉइंट बना है, हल्का सा वाइट है, ये देखिए कितनी सारी तो लगी है, देखिए देखो ढेरों तो लगी है, ये देखो माइक्रोस्कोप में। हाँ हाँ ये देखिए, ये सिर्फ इधर ही मिलेगा और कहीं नहीं, नहीं यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, देखिए ये लगी है कि नहीं है। हाँ क्या, कौन सी कॉइल? नेटवर्क कॉइल, ये नेटवर्क सेक्शन में नहीं लगी, बहुत सारी छोटी छोटी देखिए, तो ये वाइट डॉट बना है, ब्लैक डॉट वाइट, देखिए ये कितना सारा मटेरियल लगा है, एक आध लगी है। हाँ एक साइड से छोटे 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 डॉट्स बने हैं, बहुत सारी लगे। हाँ हाँ कैपेसिटर है, ये कॉइल है, हाँ ये वाली बूस्ट कॉइल है, ये बक कॉइल है। इधर खोलो तो भैया मेरे, जाली वाली ये देखो यहाँ पे लगी बहुत सारी ब्लैक कॉइल। ये कुछ इसकी वर्किंग है, अभी जो फोन के अंदर वायरलेस चार्जिंग का सिस्टम आ रहा है वो कॉइल के जरिए ही संभव है। एक प्राइमरी कॉइल है और सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है, तो प्राइमरी कॉइल पे वोल्टेज दिया जाता है, इस पर गैप और ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये क्या है बल्ब जलता है। आपकी जो ट्रांसफार्मर आप लोग यूज जो देखते हो, जो आपका 11000 वोल्टेज को 240 में का डाउन करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, उसके अंदर क्वाइल्स का ही यूज होता है। अगर क्वाइल्स का यूज नहीं होगा तो वोल्टेज कम नहीं होगा। तो चलिए एक बार हम इसकी वर्किंग को समझते हैं, ये तो इसकी बनी है, इसकी वर्किंग के कैसे काम करती है। तो हम लोग हमेशा एग्जाम्पल देते हैं, बैरिंग सब लोगों ने देखा है किस तरीके से होता है, बताइए बैरिंग जानते हो? नहीं जानते हो? साइकिल चलाई है, साइकिल के पहिए में अगर बैरिंग नहीं लगा होगा, छर्रे पड़े होते हैं बीच में, तो पहिया घूमेगा ही नहीं, ऐसा है? जिन लोगों ने साइकिल चलाई है वो जानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बार टूटा हुआ होगा। और इसके चारों तरफ ऐसे राउंड राउंड करके हम लोग लगा देते हैं, ये प्लस माइनस या ऐसी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बीच में एक रॉड डाल दिया, क्या डाल दिया? रॉड। जो रॉड होगी वो बाहर को निकल नहीं सकती है, देखा होगा पहिया घूमता है ऐसे। तो अब जब ये जब इस पर हम वोल्टेज देंगे, क्या देंगे? वोल्टेज। तो ये लोहे की रॉड है, तो ये जो पॉइंट ये वाला, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ, ये सब अपनी अपनी तरफ इसको क्या करेंगे, खींचने की कोशिश, क्यों? मैग्नेटिक फील्ड के जरिए, चुंबकीय क्षेत्र के, सब अपनी तरफ जितने भी राउंड है। लेकिन ये बाहर निकलेगा बताओ,
नहीं निकले क्योंकि वायरिंग के बीच में है ना, तो ये यहीं पर घूमने लगेगा। क्या करने लगेगा? घूमने लगेगा। आप इस पर पंखे ये पंखुड़ियाँ लगा दीजिए, अब बन गया आपका फैन। तो फैन कैसे से चल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से ही आपका फैन रन करता है। समझ में आई बात कि नहीं आई? टेस्टिंग, मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट करेंगे, कोई भी क्वाइल हो कहीं पर भी लगी हो, छोटी मोटी पतली गोरी लाल हरी काली नीली कहीं पर भी हो, किसी भी डिवाइस में हो, टेस्टिंग उसकी एक ही है, ठीक है। और इसका यूनिट होता है हेनरी। क्या यूज होता है? हेनरी इसका यूनिट, लिख लीजिए कहीं, क्वाइल का यूनिट हेनरी होता है। हाँ नोट में डाल दीजिए। अब टेस्टिंग लिखिए, मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट करेंगे, क्वाइल के एक सिरे पे रेड प्रॉब लगाएंगे और एक सिरे पे ब्लैक प्रॉब। यहां पर क्या आएगा? बीप करें तो सही है। चेक करिए, अगर कपलर क्वाइल है, जैसे ये वाली थी ना कपलर क्वाइल, उसके चार पॉइंट बने, देखिए पॉइंट देखिए, तो ये आपस में जुड़े हैं, यानी कि ये और ये चेक करेंगे तो बीप आएगी, और ये चेक करेंगे तो क्या आएगी? बीप आएगी, डबल क्वाइल लगी है। चेक करिए, कोई भी क्वाइल हो, बक क्वाइल बूस्ट क्वाइल, हालांकि पॉइंट उसके अंदर की तरफ होते हैं बक क्वाइल बूस्ट के, तो चेक नहीं हो पाएंगे सही से, ठीक है। लेकिन अगर निकाल के चेक करो कि टेस्टिंग उसकी यही है, जितनी भी क्वाइल है, नेटवर्क सेक्शन की लगी हो, पावर सेक्शन, डेटा कहीं पर भी लगी हो, चेक करिए आप एक बार, टेस्टिंग करिए, करिए चेक करिए, जो पहले पहचान करवाई थी क्वाइल की, चेक करिए।